मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हो नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या होता है, किस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे? तो सबसे पहले जो बेसिक स्टार्ट हुआ है नोमेनक्लेचर करने के लिए, तो उसको हम लोग देख रहे हैं कि ट्राइबल नोमेनक्लेचर सिस्टम की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन, ट्राइबल नोमेनक्लेचर सिस्टम को हम लोग क्या नाम से बोलते हैं, कॉमन, ठीक है, कॉमन नेम्स के नाम से भी जाना जा सकता है। ओके, यदि ट्राइबल नेम सिस्टम की बात करें स्टूडेंट, तो किस तरह से हम लोग लेंगे यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो ट्राइबल नेम सिस्टम टू टाइप से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के आधार पर देखेंगे, सेकेंड ही ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी के बेस पर यहाँ पर देखेंगे। तो सोर्स के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से नेम दिया गया है और डिस्कवरी के बेस पर किस तरह से नाम दिया गया है, इसके बारे में देख रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले ट्राइबल नेम, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं कॉमन नेम। ठीक है, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट, जो होता है सोर्स के बेस पर होता है पहली चीज, और दूसरा है डिस्कवरी। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पर जो ट्राइबल नेम है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड डिस्कवरी। तो फर्स्ट वन देख रहे हैं सोर्स के बेस पर स्टूडेंट, सोर्स के बेस पर से पहली चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कंपाउंड लेते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस दैट हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ओके स्टूडेंट, सपोज यहाँ पर मैंने ये चीज लिखा कि कार्बन और हाइड्रोजन सिस्टर से बॉन्ड बनाता है, जिसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं स्टूडेंट, CH4। ओके, CH4, जो CH4 है इसको ट्राइबल नेम के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मेथेन है इसको मार्स गैस भी बोला जाता है। कौन सा गैस स्टूडेंट, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। क्यों इसको मार्स गैस बोलते हैं स्टूडेंट, मार्स गैस इसको बोलने का मतलब ये है स्टूडेंट कि जो यहाँ पर जो सोर्स होगा, ठीक है, मेथेन का मार्स गैस बनने का, ये केवल मार्सी प्लेस से आपको प्राप्त होता है। मार्सी प्लेस कहने का मतलब स्टूडेंट कि दलदली क्षेत्रों में, ठीक है, दलदली क्षेत्रों में यहाँ पर पाई जाती है। तो दलदली क्षेत्रों से पाए जाने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्स गैस या मेथेन बोलते हैं स्टूडेंट। और पहले इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो होते हैं, जो मेथेन होता है इसकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, जो बॉन्ड एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट मार्स गैस में। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी मतलब बहुत हाई पावर होती है। अप्रोक्सीमेशन इसको देखें तो 53,000 किलो जूल पर केजी इसकी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है स्टूडेंट। ठीक है, इसकी जो एनर्जी रिलीज होती है बहुत हाई होती है, बर्न करने पर बहुत ज्यादा जलती है, बहुत जल्दी जल जाती है। और साथ में पहली चीज की बात कर सकते हैं, जो मेथेन होता है वो मेथेन का यूज जो हम लोग काजल बनाते हैं ना, काजल जो आंख में लगाया जाता है उसके लिए यूज किया जाता है, और गैस ईंधन के रूप में भी यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक, गैस ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट वन इज मेथेन। सेकेंड चीज बात करें, जो सेकेंड बात करेंगे तो यहाँ पर जो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, पता है क्या, HCOOH है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मिक एसिड है स्टूडेंट, तो फॉर्मिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड जो होता है, ये जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है फॉर्मिका, फॉर्मिका से यहां पर आपको मिला हुआ है। सोर्स क्या है इसका, रेड एंट। ठीक है स्टूडेंट, रेड एंड चीटी, चीटी से आपको फॉर्मिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। यही कारण है कि जो छोटी चीटी होती है, इसको रेड चीटी, वो क्या करते हैं, काट देते हैं तो बहुत ज्यादा जलन होती है। तो किसके कारण होती है स्टूडेंट, फॉर्मिक एसिड के कारण, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट रहते हैं उसके कारण होते हैं यहाँ पर क्या होती है, जलन होती है। ठीक है स्टूडेंट, फिर आइस वगैरह लगा देते हैं तो वहां पर ठंडी होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर बता सकते हैं जो फॉर्मिक एसिड होता है वो रेड एंड से प्राप्त किया जाता है, सोर्स इसका रेड एंड। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन, थर्ड वन यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, इसका नाम क्या है स्टूडेंट, मेथेनॉल, ठीक है, या मिथिल एल्कोहल। जो मिथिल एल्कोहल है स्टूडेंट, इसको वुड स्पिट के भी नाम से जाना जाता है। क्या स्टूडेंट, वुड स्पिट, वुड स्पिट स्टूडेंट, वुड स्पिरिट का मतलब क्या समझते हो, वुड स्पिरिट का कहने का मतलब होता है कि ये जो होता है ये कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कोयले के भंजक आसवन से
इसको प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको गोल्ड स्पिरिट के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण यूज होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास बात इसमें ये है स्टूडेंट, जो मेथिल स्पिरिट है या गोल्ड स्पिरिट जो है, गोल्ड स्पिरिट को हम लोग किसकी यूज करते हैं, इसकी भी जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है, या फिर इसको बोल सकते हैं इसकी पावर जो होता है बहुत हाई होता है, और इसका जो यूज करते हैं आजकल डीजल इंजन के रूप में भी यूज किया जाता है, डीजल डीजल के रूप में, डीजल बनाने में, ठीक है, डीजल बनाने के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, ये गोल्ड स्पिरिट या और एल्कोहल के रूप में भी यूज किया जाता है, लेकिन ये ज्यादा बहुत ज्यादा क्या होता है, पॉइजनस होता है स्टूडेंट। ठीक है, पॉइजनस होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा जहरीला होता है। ठीक है, तो इसका यूज नहीं करना है अपने को। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पर बता रहे हैं कि वुड स्पिरिट से प्राप्त होता है, इसलिए मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इसके जो सोर्स होते हैं उसी के बेस पर हम लोग यहाँ पर नाम देने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इसकी बात करें अपन, तो जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या पता है स्टूडेंट आपको? बिल्कुल, बहुत ही कॉमन नेम है, बहुत ही कॉमन, एसिटिक एसिड CH3CW स्टूडेंट। ये जो होता है एसिटम वर्ड से मिला है अपने को, और जो एसिटम है स्टूडेंट, एसिटम कहाँ से आपको मिला है? एसिटम वर्ड एसिटिक एसिड जो होता है विनीगर से प्राप्त होता है। ठीक है, ये सिरका बनते हैं, ठीक है, सिरका या विनीगर, विनीगर से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो विनीगर से हम लोग प्राप्त करते हैं स्टूडेंट यहाँ से, तो विनीगर से हम लोग ये देख रहे हैं कि एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, या फिर एसिटिक एसिड को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कवरी के बेस पर यदि बात करें स्टूडेंट, तो डिस्कवरी के बेस पर हम लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं ये RMGS, इसका जो फॉर्मेशन किए हैं R मिस्टर एल्किल ग्रुप, MG मतलब मैग्नीशियम मेटालिक कंपाउंड है, X हाइड्रोजन कंपाउंड है, मिस्टर यहां पर हम लोग इस तरह से CH3MgCl भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसका जो जो डिस्कवर किए थे वो यहां पर डिस्कवर किए थे जिसका नाम है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इसको क्या नाम बोलते हैं स्टूडेंट? ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक डिस्कवरी के बेस पर जो नेम दिया जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रैंकलिन, नेक्स्ट वन इज R2ZN, R2ZN जो होता है स्टूडेंट फ्रैंकलिन रिएजेंट है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बात करें तो डिस्कवरी के बेस पर दो चीजें होती हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट और फ्रैंकलिन रिएजेंट, और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के आधार पर यहाँ पर देखेंगे तो मास गैस स्टूडेंट है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड है, और वुड स्पिरिट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, एसिटिक एसिड यूज कर रहे हैं, ठीक है, उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेवल नेम जो होता है उस समय जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो आपको मिल रहा है कि जो ये जो कंपाउंड है किस तरह से हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग ट्रेवल नेम सिस्टम में देख रहे हैं। ओके, ये वीडियो कैसा लगे स्टूडेंट लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं। ठीक है, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट।